वेलकम बैक टू आलियाज़ कलेक्शन। सो गाइज, आज आपके लिए हैं मोडाल के बहुत ही खूबसूरत से सेट। एक तो आपने देख ही लिया है जो मैंने पहना हुआ है, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशली इसको पहन के एक छोटा सा रील बनाया सो दैट आपको एक क्लियरली आइडिया मिल जाए कि ये ड्रेस का लुक कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सारे कलर्स देख लेते हैं। ये हैं इसके सारे कलर्स। सेट में मैं आपको 3 to 4 शेड्स ही दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मोडाल की कुर्तीज़ दिखाऊंगी, उसके बाद देखते हैं और भी बहुत सारा कलेक्शन है, हम क्या क्या इस वीडियो में कवर कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस मेहंदी ग्रीन सेट से। ये है हमारा पहला सेट जो कि 38 नंबर में अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसके साथ प्लाजो भी दिया हुआ है, आपने फ़ोटो में ऑलरेडी देख ही लिया है। तो ये है इसका प्लाजो और ये है कुर्ती। मोडाल का फैब्रिक है, नॉन ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, आपको कोई स्लिप वगैरह अलग से नहीं वेयर करना होगा। और इस तरीके से वाइट थ्रेड से इसमें वर्क किया हुआ है और लॉन्ग कुर्ती है। इस कुर्ती की लंबाई ऑलमोस्ट 44 इंचज़ है इसकी लेंथ, और साइज़ इसमें 38 अवेलेबल है। ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है स्किन पे, इट्स जस्ट लाइक मसलिन फैब्रिक। अगर आपने मसलिन फैब्रिक कभी देखा हुआ है तो आप बिल्कुल उसी से कंपेयर इस फैब्रिक को कर सकते हैं। और इसमें फ्रंट स्लिप पे ही वर्क दिया हुआ होता है, इस तरीके से इसमें फ्रंट पे वर्क दिया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे जो है फ्लावर्स बनाए हुए हैं इस तरीके से। और इसके नेक में बड़ा ही खूबसूरत सा नेक बनाया हुआ है इस तरीके से, इसको लॉन्ग नेक में काउंट किया जाता है। ये काफ़ी लंबाई में बना हुआ होता है, ऑलमोस्ट आपके नेवल तक ये पूरा डिज़ाइन आ जाएगा इस तरीके से। इसकी स्लीव पे वर्क होता है इस तरीके से, यहाँ पे काम है। और बैक साइड भी देख लेते हैं इसका। बैक साइड पे इस पर पूरे पे बूटी नहीं आती है, इस पर एक बूटा बना हुआ है यहाँ पर बैक पे। तो यहाँ पर इस पर एक डिज़ाइन बना हुआ होता है। फैब्रिक बहुत अच्छा है गाइस, बहुत लोगों ने इस फैब्रिक के लिए डिमांड किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये भी दिखा दिया जाए। और आप इसको डायरेक्टली यहीं से बुक कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया हुआ है। और चलिए इसका प्लाजो देख लेते हैं फटाफट। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आई एम श्योर आप लोग भी इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते होंगे। तो मैं आपको थोड़ा ही थोड़ा कलेक्शन दिखाऊंगी हर बार में। ये इसका प्लाजो है, प्लाजो पे ऑलमोस्ट 8 इंचेस तक वर्क किया हुआ आएगा। ठीक है, बैक साइड पर वर्क आएगा, फ्रंट पर भी वर्क आएगा, तो इस तरीके से पूरे राउंड पर वर्क है। प्लस इसमें ये इलास्टिक वाला वेस्ट दिया हुआ है, प्लस ड्रॉ स्ट्रिंग भी है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लाजो का जो साइज़ है दिस इज़ लाइक फिट टू लाइक 45 इंचेस हिप साइज़। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम साइज़ है, इससे ज़्यादा फिर हेल्दी लोगों को ये सेट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था इसका पहला कलर, बहुत अच्छा सेट है, आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, ये बहुत रीजनेबल सेट्स हैं। तो गाइज, इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करिए, वहाँ मैं आपको इसका प्राइस शेयर कर दूँगी और वहीं से आप बुकिंग कर सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि इस कलर में और कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। तो चलिए इसके बाकी के शेड्स और देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ कुर्तियाँ दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाकी के शेड्स। ये है इसका पीच शेड, मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखा देती हूँ। डिज़ाइन सेम है, प्लाजो सेम है, सब सेम रहेगा, बट स्टिल मैं आपको लुक दिखा देती हूँ क्योंकि सारे कलर्स में जो है काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत प्यारा शेड है एक्चुअली। तो ये था इसका पीच कलर। अब इसका फटाफट से नेवी ब्लू कलर देख लेते हैं। नेवी ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो आई थॉट इसको भी जो है कलेक्शन में लाया जाए, एंड ये भी 38 नंबर में अवेलेबल है। ये बहुत प्यारा सा नेवी ब्लू है, इट्स एक्चुअली नॉट अ वेरी डार्क नेवी ब्लू, ये थोड़ा सा इसमें आई कैन सी थोड़ा सा टर्कवाइज कलर मिक्स है, आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा होगा, बट यस द कलर इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी। सो ये है इसका लुक एंड दिस इज़ अवेलेबल इन नंबर 38। ठीक है, तो चलिए ये हो गए सारे सेट, अब मैं आपको एक और लाइन दिखाती हूँ कुर्ती का। तो ये हैं वो कुर्तियाँ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये बेसिकली 2 शेड में डाई की हुई हैं, ऐसी कुर्तीज़ मैंने आपको विस्कोस फैब्रिक में दिखाई थी और अब मैं दिखा रही हूँ मोडाल में। और जो लोग बड़े साइज़ मुझसे मांगते रहते हैं कि मैम बड़ा साइज़ बड़ा साइज़, तो ये सब जो है आपको 48 नंबर तक मिल जाएंगी कुर्तियाँ। और ये इसका लुक है, कपड़ा सेम रहेगा, मोडाल फैब्रिक है और ये डायबल इसमें थ्रेड लगा हुआ है बिकॉज ये 2 शेड में डाई की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें नेक पे वर्क किया हुआ है पूरा, ऊपर को लाइट शेड है, नीचे को डार्क शेड है, येलो कलर है, लेमन येलो शेड है, स्लीव्स पे वर्क है, स्लीव्स भी ओमरे में बनाई हुई है, 44 नंबर इज़ अवेलेबल। एंड इसका बैक देख लेते हैं, इसके और भी शेड में आपको दिखा देती हूँ, साइजेस में आपको बता देती हूँ और कौन कौन से हैं। बैक पे इस पर यहाँ पर बस एक जो है बंच बना हुआ आता है इस तरीके से, एंड फैब्रिक जो है लाइट शेड की वजह से आई वुड से सेमी ट्रांसपेरेंट है, बट कॉटन के स्लिप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें।
ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा डिज़ाइन का पहला शेड। तो चलिए इसके बाकी के शेड्स भी देख लेते हैं। बहुत प्यारे शेड्स हैं, दोनों ही शेड बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें 48 नंबर अवेलेबल है, बहुत प्यारी कुर्ती है और पिंक शेड है, ओम्ब्रे में बनाया हुआ है। 48 साइज़ की कुर्ती है। जिन लोगों को प्लस साइज़ में कुर्ती चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस कुर्ती, बिकॉज नॉन ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है और काफ़ी अच्छा इसमें काम किया हुआ है। बहुत ही ये भी रीजनेबल कुर्तीज़ हैं, आप पिंक करिएगा, प्राइस मैं आपको वहाँ बताती हूँ। तो ये था इसका पिंक शेड। एंड थर्ड इज़ दिस लेवेंडर शेड, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। एक्चुअली ये शेड भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। एंड दिस कुर्ती इज़ इन 44 साइज़, 44, ठीक है। तो ये था इस कुर्ती का थर्ड शेड। सो ये है मोडाल की कुर्तीज़। और भी कलेक्शन काफ़ी सारा है, लेकिन सब कुछ इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो कोशिश करते हैं अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप जो है व्हाट्सएप पे पिंग करिए और क्या नया कलेक्शन है ये सब जान लीजिए। फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको रील्स देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे, सो दैट आपको इन कुर्तीज़ का, इन डिज़ाइंस का क्लियरली लुक वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विशिंग माई एंटायर यूट्यूब फैमिली, आवर फ्रेंड्स एंड आवर लव्ड वंस वेरी हैप्पी न्यू ईयर।